हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं। दूसरा एक हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि हमारे पास में काफ़ी सारे जो लोग आते हैं वो पेट के विकार से आते हैं और उसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, पेट विकार का साइकोलॉजिकल कनेक्शन क्या हो सकता है उसके बारे में बताता हूँ मैं। क्योंकि इनको जिनको जिनको पेट के विकार है वो सबसे आखिरी हमारे पास में आते। अब पेट के विकार मतलब कौन से, पेट के विकार मतलब पेट को फुगा आना, पेट फूल जाना, फिर ढकार आना, फिर आम्ल होना, मतलब बहुत एसिडिटी होना, जलना, छाती में जलन, गले में जलन होना, फिर लोगों का ऐसा रहता है कि गैस ऐसी ऊपर ऊपर चढ़ रही है या गैस पेट में पूरी फूली हुई है, गैस छाती में चढ़ रही है, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि गैस उनके मस्तिष्क में गई हुई है, फिर उनको लेटरिन को शौच साफ नहीं होता, कुछ लोगों को शौच ज़्यादा लगता है और लूज होता है, मतलब पतला होता है, कुछ लोगों को शौच जो है मतलब लेटरिन दो दो तीन तीन दिन नहीं होती है, कुछ लोगों को ऐसा फुला फुला सा लगता है वो खाना नहीं खा सकते, उनको कुछ भूख ही लगती नहीं है, खाने की इच्छा होती नहीं है, खाने में मज़ा नहीं आती है कुछ लोगों को। तो ऐसे काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं पेट की, वो पेट की बीमारी के लोग जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो एक्सपर्ट रहते हैं, स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनके पास में जाते हैं, हेपेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, फिजिशियन के पास में जाते हैं, सर्जन के पास में जाते हैं और उनकी सब तरह की वो जाँच कर लेते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, स्टूल की एग्ज़ाम होती है, खून पेशाब की टेस्ट हो जाती है, मतलब सब टेस्ट करने के बाद में उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दिखाई देती नहीं है कि भाई अंदर पेट में मतलब मुंह से लेके एनस तक, मतलब ये एंड से लेके आखिरी के एंड तक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के आखिरी एनस तक कुछ भी उनको दिखाई देता नहीं, सब तरह की जाँच हो जाती है। फिर कुछ डॉक्टर बोल देते हैं उनको समझने के लिए कि नहीं आपको है ना अंदर आंतड़े को सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, मगर ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, तभी भी भाई थोड़ा बहुत तो इन्फ्लेमेशन निकल ही जाता है ना, उसमें कुछ मांस निकलता है, गोला निकलता है, ना कोई कैंसर निकलता है, ना कोई टीबी अंदर है, मतलब कुछ भी बीमारी निकलती नहीं है, मगर उनको तकलीफ तो है। और उनको ऐसा बोला कि नहीं नहीं वो ये साइकोलॉजी है, तो ये पेशेंट बहुत गर्म हो जाते, बोलते मैं क्या पागल हो गया, मेरे को कुछ तनाव नहीं है। और उनको यदि कभी ऐसा कुछ बोला कि आप साइकेट्रिस्ट के पास में चले जाओ, मनोविकार तज्ञ के पास में चले जाओ, तो जो डॉक्टर ने बोला वो डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको क्या पागल समझ रहा क्या, हम क्या पागल हो गए क्या, मतलब इस तरह से उनके साथ में बातचीत करते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास में आते नहीं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे रहते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरे फाइल के ऊपर लिखा है फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये डायग्नोसिस क्या हुआ है, या मेरे फाइल के ऊपर लिखा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और मेरे सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तभी मैं जाता हूँ साइकेट्रिस्ट के पास में और मेरा इलाज करता हूँ, ऐसे फिर कुछ लोग हमारे पास में पहुँच जाते हैं। जब हमारे पास में आते हैं उनके पास में कम से कम 5-6 डॉक्टरों की फाइल्स रहती है, अलग अलग तरह के उनके इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं और सब इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखा हुआ रहता है कि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, बाकी ऐसा कुछ रहता नहीं है, सब तरह की उन्होंने गोलियाँ खाई रहती है। और वो डॉक्टर जो लिखते हैं गोलियाँ, वो मेनली जो गोलियाँ हैं वो एसिडिटी की गोलियाँ लिखते हैं, आम्ल पित्त की गोलियाँ वो कम होने के लिए लिखते हैं, है ना, ऐसा ओमिप्रेजॉल है, पेंटेप्रेजॉल है, वो गोलियाँ लिखते हैं, या फिर दिमाग में तनाव कम करने की गोली, एंग्जियोलाइटिक गोली, मतलब अल्प्रेजोलाम नाम की जो गोली है वो देते हैं। अल्प्रेजोलाम नाम की गोली 0.25 मिलीग्राम में मिलती है, 0.25 मतलब 1 मिलीग्राम के 4 हिस्से, और ये गोलियाँ ज़्यादा फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ज़्यादा प्रमाण में लिखते हैं, किलो में टनों में खपी जाती है गोली, खपती है, क्यों, क्योंकि गोली लेने से दिमाग शांत हो जाता है, दिमाग थोड़ा शांत हो गया कि पेट शांत हो जाता है। इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि दिमाग में जब हमारा स्ट्रेस आता है, तनाव के विचार आते हैं, ब्रेन में तनाव के विचार जब आते हैं, तब हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ब्रेन के, उसमें डोपामिन मेनली, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तो ऐसे जो अलग 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 काफ़ी सारे केमिकल्स जो है उनकी मात्रा जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पेट में भी रहता है और सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में भी रहता है, इनका कनेक्शन है, तो वहाँ वो कम हो जाता है तो यहाँ भी कम हो जाता है,
वहाँ बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ता है, और वो उसकी मात्रा उसका इम्बैलेंस कम होने से पेट के फिर विकार आना शुरू हो जाते हैं। और फिर कोलोनोस्कोपी करो या गैस्ट्रोस्कोपी करो या और कोई अलग तरह से मतलब उसका कोई स्कैन करवाओ या अल्ट्रासोनोग्राफी करो एब्डोमेन की, कुछ निकलता नहीं अंदर। उनको ज़रूरत है, एक तो दवाई लेते हैं तो एंग्जियोलाइटिक्स दवाई, मतलब तनाव कम करने की दवाई, मगर वो कितने लेंगे, क्योंकि वो दवाई लेते हैं तो आज समझो 0.25 मिलीग्राम की एक गोली लिया, एक महीने भर बाद में कम से कम उसको 2 या 3 गोली खानी पड़ती है वो तनाव कम करने के लिए। इसलिए प्रॉपर दवाई लेना आवश्यक है, और प्रॉपर दवाई कहाँ मिल सकती है, साइकियाट्रिस्ट के पास में मिल सकती है, कि वो सब उसका असेसमेंट करके, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके भाई दवाई कौन सी सूट होंगी वो दवाई साइकियाट्रिस्ट देता है। तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है लोगों को कि भाई दवाई जो लेना है वो साइकियाट्रिस्ट के सलाह से ही दवाई लेना चाहिए। दूसरा है, फिर हम उसमें जाते हैं कि इसका साइकोडायनेमिक्स क्या है, साइकोलॉजी क्या है इसके नीचे, तनाव है क्यों भाई, एक्चुअली क्या इनऑथेंटिसिटी है, मतलब क्या अप्रामाणिकता है, दिमाग में तनाव आया है तो क्यों आया हुआ है, क्या गलती की हुई है, क्या छुपा रहा है वो। जब आदमी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, पारदर्शकता नहीं रहती है, कोई छुपाते रहता है तो तनाव आता है। फिर वो टैक्सेशन का तनाव हो, इल्लीगल कोई काम करता हो, टैक्सेस कोई चोरी छुपाता होगा, धंधे में कोई काला बेरा करता होगा, या घर में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि घर में जो रिलेशनशिप है, दोस्तों के साथ में जो रिलेशनशिप है, बाहर जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम है, बाहर कोई रिलेशनशिप है क्या घर के अलावा, मतलब ऐसे सब हम जब देखते हैं और उसका पूरा असेसमेंट करके तो मालूम पड़ता है कि ये साइकोलॉजिकल कारण है जिसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस ब्रेन में हो रहा है, और उसके वजह से पेट में इम्बैलेंस हो रहा है और पेट का तनाव आ रहा है, और पेट के तनाव की वजह से फिर पेट में फुगार आना, हिचकी लगना, ढकार आना, एसिडिटी होना, खाने की इच्छा नहीं होना, पेट फुला फुला सा लगना, मतलब ये विकार होते रहते हैं। कभी कभी इनको जी मचलाना, उल्टियाँ हो जाना, ऐसा भी हो जाता है, खाने की इच्छा नहीं होना, मतलब सब जो बीमारी है और जो सब जो लक्षण है वो सब लक्षण पाचन संस्था के लक्षण होते रहते हैं। कभी कभी शौच में जलन हो जाती है, शौच में फिर अल्सर, मतलब वहाँ एनस की जगह अल्सर हो जाते हैं, कभी कभी पाइल्स का उसका परिवर्तन हो जाता है, कभी फिशर हो जाते हैं, स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ पाचन संस्था की होती है। तो ये जो बीमारी है इसका इलाज प्रॉपरली होना चाहिए, जिसका साइकोलॉजी देखते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, दवाई कौन सी अच्छी लेने का है, साइकोथेरेपी करते हैं, मानसोपचार, और फिर सम्मोहन उपचार भी हम करते हैं कि जिसकी वजह से सम्मोहन यदि हम करते हैं, स्वसम्मोहन सिखाते हैं कि रिलैक्स कैसे करना, दिमाग कैसे रिलैक्स करना और पेट कैसे रिलैक्स करना। अब पेट रिलैक्स करना तो अपने हाथ में है नहीं, क्योंकि पेट के ऊपर मेरा कंट्रोल है नहीं, मगर मैं जब दिमाग रिलैक्स करता हूँ तो पेट आप ही आप रिलैक्स हो जाता है। तो दिमाग रिलैक्स करने की मतलब माइंड रिलैक्स करने की एक्सरसाइज करना, वो हम उसको सिखाते हैं, और इसमें काफ़ी सारा फर्क हो जाता है। तो आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको ये बीमारी होंगी, पेट की पाचन संस्था की बीमारी होंगी, और उनके पास में बड़ी बड़ी पोथी जैसे पुराण, पोथी पुराण जैसे रहते, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें होंगी और उनको कोई आराम नहीं, ऐसे घूमते फिरते होंगे लोग, उनको जरूर आज जो मैंने वीडियो में बताया है उनके साथ में जरूर शेयर करो, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, ताकि वो प्रॉपर दवाई लेके उनकी तबीयत अच्छी कर सकते हैं, तबीयत हो जाती है तो उनका काम अच्छा कर सकेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ जो बेल आइकॉन होता है उसको हिट करो, ताकि मैं जो वीडियो डालते रहता हूँ वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, सबको शक्तिशाली रूप से जीवन देने के लिए उनको एम्पावर करना, वो हमारा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य के लिए आपका भी हाथ भार लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।